ईजिएस्ट आई शेडो और ऐसे टोन जो आप हर जोड़े हर किस्म के लुक के साथ कम ज़्यादा करके इस्तेमाल कर सकते हैं. देखें इस तरह का एक पैलेट होता है जिसमें हर्दी टोन है सारे नहीं अगर अर्दी नहीं भी है लेट्स सपोज अगर ये पीच पे होते पिंक पे होते तब भी देखें हर पैलेट पे लाइटर शेड भी होता है मीडियम शेड भी होता है और डार्कर शेड भी होता है. अब इसी को अगर आप पिंक पे ले आएंगे तो मैं आपको पिंक पे भी बताती हूँ. जरूरी नहीं है कि आप जो है वो ब्राउन उठाएं निदा यासर की तरह ब्राउन में मेकअप कर दो. ये आपका लाइट हो गया ये एक्स्ट्रा लाइट पीच है ये बीच का पीच है ये आपके शिमरी शेड हो गया और ये आपका सबसे डार्क हो गया. सो कलर पैलेट तो आपकी मर्जी है. मैंने ब्राउन इसलिए उठाया है क्योंकि ब्राउन यूजुअली एशियन टोन्स को हर जोड़े पे चल ही जाएगा चाहे कुछ भी हो. ठीक है अच्छा अब हम स्टार्ट करेंगे कि जी सबसे लाइट वाला शेड हमने दिया इनर कॉर्नर पे. ये हैक किस चीज का आंखें ज्यादा खोलने का भाई इजी आई शैडो एप्लीकेशन जल्दी वाला इजी आई शैडो एप्लीकेशन. ठीक है ये आपने लगा दिया फॉर बिगिनर्स ये आपने लगा दिया अंदर. ओ यस I like it. अभी यही करती हूँ हालांकि मैं बिगिनर नहीं हूँ. ठीक है फिर आपने वो ब्रश है लेकिन जल्दी हो जाता है. हाँ फिर आपने वो ब्रश पोछा ठीक है पानी के साथ और फिर आपने अब आप बताएं कौन सा शेड उठाना पसंद करेंगे. आई थिंक दिस वन किस वन पहले वो ले लो ना लाइट वाला वो वाला ये वाला. हाँ ट्रांजिशन होना था नहीं नहीं ये वाला ये वाला चलो और थोड़ा सा पिंक भी मिक्स करना ये वाला. हाँ क्योंकि लाइट पिंक है ना सारी अच्छा अब गोला गड्ढा ये वाला सिर्फ डाल दो. अच्छा अब एक लाइटर शेड अंदर दिया फिर एक दूसरा उससे थोड़ा सा मीडियम शेड मिला के जो दिल चाह रहा था वो एक और इस तरह रैंडम लाइंस इस तरह बना दी. ठीक है ठीक है ये आपकी अब और डार्क पे जाएंगे. ठीक है अब हम सबसे डार्क पे जाएंगे. हाँ थ्री कलर कॉर्नर्स पे दिखाओ दिखाओ दिखाओ. हाँ ये तीन डार्क कलर्स उठा लिए जो खतरनाक डार्क कलर. अब इसने तीन एक्चुअली आई शेडोज जो हैं अब ये बहुत ऐसे रैंडमली लगा से लाइनें खींच दी हैं. हाँ, मतलब आ गया होगा लोगों को. ये आदमी भी लगा सकते हैं घर के अगर बीवी कहे सुने मेरा मेकअप कर दे तो आदमी उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं. आजकल लड़के करते हैं बहुत लड़कों के लिए है जो प्लीज करना चाहते हैं अपनी खवातीन को कि देखो मैं भी एफर्ट ले रहा हूँ तुम्हें खूबसूरत बनाने में. ठीक है अब आपने एक बफ ब्रश लिया. बफ ब्रश आपको पता है थोड़ा सा फ्लफी होता है. ठीक है और उसको स्लाइटली आपने जहां जहां ये कनेक्ट हो रहा है ना शेड सिर्फ वहां से इसको कनेक्ट कर ये देखो और ये जो सॉकेट लाइन है मेरी टीम मुझे बताए कितनी देर लगी इन शेड्स को लगाने में. This is for me. Oh my God. क्योंकि मुझे दो मिनट वाला मेकअप चाहिए होता है. मियां कहे चलो बेगम लॉन्ग ड्राइव पे दो मिनट देंगे आप मुझे बाथरूम में गए ये किया अक्सर बेचारे मियां ना इंतजार कर रहे होते हैं अंदर बाथरूम में अभी आ रही हूँ मेकअप भी खत्म नहीं हो रहा होता सारा ड्राइव का मूड खराब हो चुका है यार. मतलब तीन अब ये वाला ऐसा मेकअप है ये पहन के आप बर्थडे में भी जा सकते हैं. आपने ब्राइट लिपस्टिक लगा लिया आप शादी पे चले जाएं और अगर आपको लाइनर नहीं लगाना आता ना तो भी ना लगाएं ना लगाएं आप मस्कारा भर के लगा लें. मस्कारा तो बच्चा भी लगा सकता है लेकिन अभी मुझे उन्होंने ट्रिक बता दी है इसकी इसमें डिफरेंट कलर्स जा रहे हैं वो फंकी भी कर सकते हैं पिंक और क्या ग्रीन. हाँ वो बहुत फंकी वाला है अल्लाह बस पिंक और ग्रीन पे ना जाओ मुझसे तो नहीं होंगे. नहीं नहीं अच्छा हर कोई जो है ना वो बहुत ब्राइट ये देखें ये वो चीज है ये टेक्निक वो है जो एक ले मैन ले वुमन जिसको जो किचन में काम करती है उसको बिल्कुल मेकअप की अलग बे नहीं पता वो ऐसे लाइनें लगा उंगली से लगा ले. मैं तो कहती हूँ ब्रश की भी जरूरत नहीं है. ये ऐसे लगाया या ऐसे लगाया और फिर एक ब्रश लिया हल्का सा उसको बीच में से कनेक्ट कर दिया जहां से दूसरा शेड ट्रांजैक्शन का मैं ये बताऊं कि आपको जैसे मैं अगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जब कभी जाया करती थी और कभी मुझे करना होता था कुछ तो मैं वन शेड के साथ करती थी. मेरा बहुत अकलमंदी का है ना और क्योंकि मुझे जो आपने कहा कि इतना मेकअप नहीं आता था क्योंकि मैंने नहीं सीखा हुआ तो फिर इसलिए मैं क्या करती थी कि जो मैं ब्लश लगाती थी ना उसी का शेड लेकर मैं आंखों जैसे हाँ और उसका शेड लेकर उसी आपने जो ब्रश का था उसी ब्रश के साथ मैं थोड़ा सा
आंखों पे ऐसे लगा लेती थी। हाँ, ये बहुत अच्छा टिप कमल ने दिया है ना, ये उन खवातीन के लिए है जो बेसिकली ये भी नहीं कर सकती अगर, तो वो बेस्ट है आप अपना ब्लश ऑन उठाएं या इवन कंटूरिंग का शेड भी आप उठा सकती हैं और उसको हल्का सा अपने आईलेट पे एक शेड लगा लें, वो सबसे सेफेस्ट और सबसे डिसेंट डिसेंट है। और फिर आप यहाँ पे जो इसकी ये एरियाज होते हैं यहाँ पे आप, क्योंकि अक्सर जो लोग मेकअप नहीं करते हैं उनको ये भी तमीज नहीं होती है के पैलेट में से कौन सा कलर किधर लगेगा। अब लेट्स सपोज ये एक्वा है, अब मुझे बताओ एक आम ऐसी रखो, हाँ अब बताओ ये एक्वा कलर है ठीक है, जो मैं देखूं कल लाइट पे सही कलर कहाँ पता चल रहा है, ये सही है ओके ठीक हाँ ये एक्वा कलर है, ये रॉयल ब्लू शिमरी है। अब एक आम इंसान इन दो कलर्स को देख के बोलेगा भाई मैं इसको लगाऊं किधर, मुक्का लगेगा मुक्का मारा है किसी ने। हाँ, नहीं लगने के लिए उसको जगह तो पता होनी चाहिए कि ये मिड में लगेगा कॉर्नर में लगेगा, एक आम इंसान को ये नॉलेज नहीं। दूसरी आंख पे लगा के दिखाओ कि किधर क्या लगे, किधर क्या लगे, इसकी एक पतली लाइन भी बना सकते हैं। ये अगर किसी की ख्वाहिश है हमें एक्वा मेकअप करना है तो हम क्या लाइन बना सकते हैं, जिस तरह लाइनर लगता है ना ये उस तरह लगा सकते हैं। मैंने शिमरी कलर लगा दिया इसके इधर ठीक है, उंगली से करियो अब तो, उंगली से कोई जरूरत ही नहीं है ब्रशों पे करते ठीक है। अब जो है वो सिर्फ आपने एक ये लाइनर ब्रश की तरह पतला सा ब्रश है, जीरो ब्रश जिसको कहते हैं ठीक है, ये आपने ये एक्वा उठाया और इसका लाइनर लगा दिया। अच्छा लाइनर के पूरी आंख पे तो वाकई एक्चुअली मुक्का लगे। ऊपर देखो ये मैं दे रही हूँ नीचे नीचे, बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल ऐसे फैशन में भी है, यंग बच्चियां बड़ी लगा रही हैं। अब देखो जब अगर आपने कोई एक्वा कपड़ा पहना है तो आप पूरी आंख पे तो एक्वा नहीं लगाएंगे ना, माइनर डिटेलिंग पे जा सकते हैं, माइनर डिटेलिंग पे जा सकते हैं। हाँ क्योंकि आप बहुत बुरे लगेंगे अगर पूरा एक्वा भरा होगा ना, एक जब ये कि अगर ऊपर लगाओ ना तो एक पतली सी ब्लैक लाइन लगा लो तो भी बहुत अच्छा लगता है। क्या अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन, सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।